thank Jal Bakshi for the book, and not for the reasons that many of you will say. Why is this book important, and why I consider it to be a very, very great effort? Why do we fight the wars? Is it some vicarious pleasures that we get in killing the adversaries, human resource and the capital? What is it? What do we want to achieve? Whatever our military objectives or political objectives may be, how do we want to achieve it? We achieve it by breaking the will of the nation and defeating its army breaks their will. That is why it is important. When you defeat them on the battleground, the nation is prepared to have peace with you on your terms. So whether it is Ukraine, Russia, or it is Second War, it is any war, and at the end of it, it is that you want to do that. But what happens if the people don't have the national will at all? Do you need enemies? One of the major tasks that we neglected, and we should have this thing, or to the extent it should have been done, was creating the national will, strengthening it. Way back, about 125 years back, but only one person who rose to do that was Swami Vivekananda. That is, when he say Uttishtha Bharata, O India, rise. Idea was this, they create that national will. And I must compliment that in the same tradition, General Bakshi's books, his narratives, his discourses, they may look little outlandish at times, and little one can have his own criticism, but the fact remains that the idea behind that is know who you are. Understand yourself. Realize your potential, realize your past. Your past will give you an idea that you were able to accomplish what you have been denied by the unfortunate course of history. We are the victims of history, but probably we haven't learned many lessons. देखिए, एक बात तो ये है कि सोशल मीडिया की क्रेडिबिलिटी अब काफी धीरे धीरे करके इरोड हो रही है। आज से 3 साल पहले जो सोशल मीडिया में आता था और जितना उसका प्रभाव होता था समाज में, आज उसका प्रभाव थोड़ा कम हो रहा है। तो हमारे को थोड़ा जितनी अगर आपके पास टाइम हो और ये आपके पास ऐसे कुछ लोग हों जो वॉलंटियर ऐसे कर सकते हैं, सोशल मीडिया के अंदर कुछ इस तरह की स्टोरीज को देखें जिसके अंदर टोटल ब्लैटेंट लाइज जो है उनको आप उजागर कर सके विद ए वेरी ऑथेंटिक थिंग। आप उसका जवाब दें, आपके पास कोई फोटोग्राफ हो, आपके पास में कोई इस तरह की, जैसे यू नो इंडियन आर्मी के बारे में कई चीजें जो आती हैं वो बिल्कुल ये है कि जिससे हमारी कंट्री की डिफेंस फोर्सेस का मोराल डाउन हो जाए। कभी कभी वो इस तरह की चीजें अपनी यूनिट्स के बारे में या हमारे अफसरों के बारे में लिखते हैं जिससे कि जवानों का फेथ या कॉन्फिडेंस अपनी लीडरशिप पर शेक हो जाए। तो आप लोग ऐसे एक्ट जो है इसको स्ट्रांगली रजिस्टर कर सकते। इसी तरह से सरकार के अंदर में कई चीजों के बारे में ऐसा कहा जाता है जो कि बातें बिल्कुल गलत है। तो अगर डिफेंस फोर्सेस के लोग, रिटायर्ड लोग किस तरह से वो करें तो एक वो कर सकते हैं। एक बात यह है कि अगर रिसर्च हो सके और काम करने का टाइम हो, किसी पर्टिकुलर टॉपिक जिसमें आपका इंटरेस्ट भी हो, ये हो, उसमें कुछ करके सोशल मीडिया में कुछ समय समय पर फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट्स बने जब कोई घटना घटती है। क्योंकि सोशल मीडिया के अंदर में ये देखा गया है कि मान लिया जाए कोई घटना घटी, उसके अंदर में जो ट्रैश आना शुरू होता है वो पहले 4 घंटे 6 घंटे के अंदर में नैरेटिव को डोमिनेट कर देता है। उसके बाद में जो आते हैं उसके ऊपर में इतना अधिक ध्यान लोगों का नहीं जाता। इफ यू कुड बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट ऑफ समथिंग दैट इट इज दिस थिंग। अब ये भी होता है कि भाई अगर आपको कोई चीज
रिपोर्ट नहीं करनी है तो आप फर्स्ट रेस्पॉन्डेंट कैसे हो सकते हैं? पर ये हो सकता है, आप इसको किसी चीज को अगर आप सोचते हैं कि जैसे कोई घटना घट जाती है जिसमें यह आया कि फर्ज के लिए कश्मीर के अंदर में किसी गांव के अंदर में कोई ऐसी घटना घटी जिसमें सोल्जर्स ने कोई ऐसा काम किया जो कि लोगों ने वो मतलब एक चीज अखबार में, तो फिर आप अपना सही पर्सपेक्टिव अपना थोड़ा पूछ के अपना थोड़ा सही करके, अगर पहले 500-700 आइटम्स जो है उसके अंदर में एक सही पर्सपेक्टिव में एक सही चीजों को अच्छे रूप में बताया जा सके, उसके बाद में जब 3 घंटे के बाद 4 घंटे के बाद में जब बाकी नैरेटिव शुरू होता है तब तक स्टेल हो जाता है। और हमारे यहां जो ज्यादा रीजनेबल वो आते हैं वो करीबन 18-12 घंटे 16 घंटे 18 घंटे के बाद है, उसको कोई नहीं पता, इट इज वेरी लेट। तो ये है थोड़ा सा, बाकी मेरे ख्याल से देश के अंदर भी पेट्रेट्स की कमी भी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं नेशनलिस्ट हैं लिखते भी हैं ये भी करते हैं, लेकिन उनके पास कुछ टाइम कम होता है, थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है, थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है सोशल मीडिया को, तो सोशल मीडिया के थ्रू ही काउंटर करना पड़ेगा। एक बात ये होती कभी कभी कि क्या सरकार को कानून बनाने चाहिए सोशल मीडिया को, अब कुछ तो है जहां पर किसी की लाइफ का थ्रेट है या कुछ है, लेकिन अगर हम सोशल मीडिया के थ्रू लोगों की आवाज को ये करें उसका नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा होगा, शायद इसका धीरे धीरे प्रभाव जो है सोशल मीडिया इतना प्रभावी नहीं रहेगा। सर थैंक यू वेरी मच।